पूर्वांचल की दो हॉट सीटों भदोही की ज्ञानपुर सीट और जौनपुर की मल्हनी सीट पर आज दो बाहुबलियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भदोही की ज्ञानपुर सीट से मौजूदा विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली पूर्व सांसद और विधायक धनंजय सिंह ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ज्ञानपुर सीट से मौजूदा विधायक विजय मिश्रा इन दिनों आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और पिछली बार उन्होंने निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार निषाद पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजय मिश्रा भदोही की ज्ञानपुर सीट से लगातार चौथी बार विधायक हैं और पांचवीं बार अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। करनल से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया है, जबकि 25 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करनल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल मंगलवार की शाम जनसंपर्क के लिए निकले थे। वो पार्टी नेताओं के साथ करनल थाना क्षेत्र के गांव अतिकुल्लापुर में जा रहे थे। आरोप है कि गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इससे काफिले में चल रही एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पथराव करने वाले लोग वहां से भाग गए। ये कल शाम की घटना है, करीब 7:30 बजे की, कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री बघेल के द्वारा थाने करहल पर आके सूचना दी गई कि उनके कन्वॉय को अटैक किया गया है और उस जिसमें वो खुद वादी हैं तथा उन्होंने दो व्यक्तियों को नामजद किया है तथा 20-25 अन्य अज्ञात हैं। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद व्यक्ति को और एक अज्ञात की गिरफ्तारी कर ली है और इसमें पूरी वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज कासगंज पहुंचे। कासगंज पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी के समर्थन में रोड शो किया। स्वतंत्र देव सिंह का ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के आवास विकास के ऑफिस से शुरू हुआ और मुख्य बाजार के प्रमुख पार्क पर खत्म हुआ। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे।